गुड मॉर्निंग बच्चों आज दिनांक 16 नवंबर 2020 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ अध्याय एक श्लोक नंबर आठ पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग गीता पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे भवान भीष्म कर्ण चकृप च अंजय अश्वथामा विकर्ण च सौमदत्तीस्त च एक बार और देखे भवान भीष्म चक्रप च कृप अंजय अश्वथामा विकर्ण च च अर्थ आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो प्रसंग है संजय और धृषराज का प्रसंग है संजय धृतराज जी जो प्रश्न किए थे संजय जी से उसका जवाब संजय जी धृतराज को जी को कह रहे हैं धीराज संजय और धृतराज से बातचीत हो रही है वार्तालाप हो रही है संजय जी कहते हैं कि सेना का जो जो सेनापति हैं सेना का जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ उनको बतलाता हूँ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा हैं वे कहने का मतलब है कि संजय जी जो है वह जो वीर बहादुर हैं सब लोग जो महा महारथी हैं उन लोगों को नाम बतला रहे हैं कि कह रहे हैं कि सेना का जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अष्टामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी शर्वा हैं इन लोगों का नाम बतला रहे हैं जैसे द्रोणाचार्य सेना नायक भीष्म कर्ण और कृपाचार्य अस्थामा विकर्ण सोमदत्त भूरी आदि सब जो जो है ये सब बहुत बड़े बड़े महारथी हैं उन लोगों को उन लोग का नाम वे धितराज जी को कहते हैं बच्चों यह जो गीता पाठ है यह मनन करने योग्य है यह आप इसे पवित्र मन से इसको पढ़िए श्रद्धा से पढ़िए श्रद्धा को जगाइए दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई भी काम यदि आप आप यदि कोई भी काम आप यदि आप ढंग से करते हैं नियमित रूप से करते हैं तो आपको वह काम बहुत करने में बहुत अच्छा लगेगा और दूसरी बात यह है कि यदि आप पढ़ाई ही पढ़ते हैं तो उसमें लगनशीलता लगाइए लगनशील लगनशीलता होना बहुत ज़रूरी है अनुशासन अनुशासन होकर पढ़िए जिसमें कि आपकी बुद्धि में प्रबलता आएगी दूसरी बात जैसा कि कहा गया है बच्चों कि जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी स्नान एक बार भी किया गया स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है आप गीता पाठ पर श्रद्धा रखिए एक श्लोक आप रोज़ प्रतिदिन पढ़िए आपके पास जो भी इस गीता पाठ को पढ़ने से या आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास जो भी अज्ञानता है सभी अज्ञानता दूर होगी अच्छी ज्ञान आएगी आप में शक्ति बढ़ेगी ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी दूसरी बात आप लोगों को यह भी मालूम है कि ईश्वर जो है चापलूसी से नहीं सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं यदि आप अच्छा कर्म करेंगे यदि आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी आपको कोई भी विषय करा नहीं है सब आसान है जब आप पढ़िएगा मेहनत कीजिएगा तो आपको एकदम सरल लगेगा बहुत आसान लगेगा इसलिए आप मेहनत कीजिए काम पर ध्यान पढ़ाई पर ध्यान दीजिए दूसरी बात आपको यह भी बताया जा, जा यह भी बताया जा रहा है कि इसमें यह अध्याय एक से लेकर आपको अठारह तक पढ़ना है अभी जो है एक अध्याय एक की पढ़ाई हो रही है अध्याय की कुल संख्या अठारह है उसके बाद श्लोक जो है आज हम लोग आठ अध्याय आठ श्लोक श्लोक नंबर आठ पढ़ रहे हैं आप लोगों को सात सौ श्लोक पढ़ना है इसलिए आप यदि एक एक श्लोक प्रतिदिन याद करेंगे तो आप देखिएगा कि संस्कृत क्या कितना आसान है पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि संस्कृत बहुत आसान है खूब पढ़ें आप लोगों को मालूम होगा कि संस्कृत जो है देव भाषा है देवता भी जो है ललायित रहते हैं इसलिए आप लोग मन लगा कर पढ़ें धन्यवाद